अभी आज हम जा रहे हैं बिजली महादेव। थोड़ा मौसम वर्षा का है और रास्ता भी बिजली महादेव वाला चौड़ा हो रहा है थोड़ा, तो देखिए आगे मशीन लगी हुई है। थोड़ा रुक रुक कर हम जाएंगे। ये स्थान है कुल्लू के सामने डोबी गांव के पास। मंदिर का रास्ता है ना ये, जगन्नाथ देवी मंदिर का। हम खड़े हैं खराड़ घाटी में, गांव पुईद के आगे उस मोड़ पर जहां से दहनी धार की ओर रास्ता जाता है। यहां से बड़ा खूबसूरत नजारा दिखता है कुल्लू से लेकर रायसन से आगे तक। गुजर रहे हैं बंदल गांव से। धारठ गांव पहुंचने के बाद हम जाएंगे क्राटे गांव में और क्राटे से यात्रा शुरू होगी पैदल बिजली महादेव की। रास्ता धारठ के आगे थोड़ा खराब है पर वर्षा की वजह से और भी खराब लग रहा है। पानी है, गड्ढे हैं, लेकिन फिर भी गाड़ी आराम से चल रही है। तो देखिए काफी अच्छा जंगल हरा भरा लग रहा है जिसमें देवदार होंगे, कायल होंगे और रई के पेड़ भी होंगे बीच में। बाएं मुड़ गोभा 1 किलोमीटर बाकी और वहीं तक ये सड़क जाएगी। तो मैं कैमरा कर लेता हूं बंद अपना। गोभा नहीं लगा लें। बिजली महादेव के लिए जाने के लिए हम अभी पहुंच गए अंतिम स्टेशन पे। यहां हमने गाड़ी खड़ी की और यहां गाड़ी खड़े करने के पार्किंग के 100 रुपए लिए जाते हैं, शायद ये कुछ ज्यादा हैं। और इस रास्ते से हम जाएंगे अभी ऊपर बिजली महादेव के लिए। पैदल का रास्ता ये है। चंसारी गांव काफी नीचे है और चंसारी से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ही काफी स्मेल लग जाता था, लेकिन सड़क निकलने से काफी आसान हो गया है। और ये आगे कुछ श्रद्धालु जा रहे हैं बिजली महादेव के लिए। तो ये हैं इस कैफे के मालिक बैठे हुए। यहाँ आज कुछ भीड़ नजर नहीं आ रही ज्यादा, है ना, काफी के ऊपर। तो मैं रुका यहाँ चाय पीने के लिए। तो ये बन रही है चाय। मैं नाम भूल गया आपका, क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम चुन्नी सिंह। ये चुन्नी जी हैं, तो इनकी स्वादिष्ट चाय का मैं आनंद लूंगा यहाँ, उसके बाद बिजली महादेव के लिए चलूंगा। यहाँ सेक ले जाए थोड़ी देर आग, क्योंकि ठंड काफी ज्यादा है। थोड़ा आग का धुआं लग रहा है। तो ठीक है चुन्नी जी, बाय, फिर दर्शन होंगे लौटती बार। ठीक है, ये जा रहे हैं। मैं सोच रहा था कि कम लोग होंगे, लेकिन आज तो काफी लोग जा रहे हैं। यहाँ बनाए गए हैं कूड़ादान रास्ते में, ये अच्छी बात है। ठीक है, जिसमें श्रद्धा है वो अकेले भी यात्रा कर रहे हैं। आप अकेले जाके आए जी? अच्छा अच्छा, और जैसे मैं अकेला जा रहा हूँ, परिवार आगे चला गया। अच्छा अच्छा, शुक्रिया। ठीक है जी, मैंने सोचा ये महिला अकेली आई और अकेली जा रही हैं, लेकिन इनका परिवार पीछे है, जैसा कि मेरा परिवार आगे निकल गया है और मैं पीछे अकेला जा रहा हूँ फोटोग्राफी करते करते। पैदल यात्राओं में ऐसा ही होता है कि अपने अपने ढंग से चलते रहते हैं और एक निश्चित स्थान पर बैठकर फिर सभी मिल जाते हैं और दोबारा से मिलकर यात्रा शुरू होती है। क्या आप गुच्छी ढूंढ रहे हैं? मिली? अच्छा, गुच्छी नहीं मिली। नहीं नहीं, अच्छी बात है, मिलती तो ढूंढते रहिए, ढूंढने में क्या बुरा है। बारिश लगी है हमारे साथ, जो आए चुनी के। अच्छा अच्छा, एक महिला तो अभी आगे गई। हाँ, मैंने सोचा वो अकेले जा रहे थे, लेकिन आप उनके साथ, आप बिजली महादेव जाके हो आए। अभी काफी लोग हैं ऊपर क्या? साफ मौसम में तो लोगों का आना जाना लंबा तांता यहाँ बना रहता है, लेकिन वर्षा के कारण बहुत कम लोग मिल रहे हैं आते जाते हुए। तो इस वर्षा में भी कुछ श्रद्धालुओं ने अपनी हिम्मत नहीं हारी है, वो अभी भी आ रहे हैं। नमस्कार, आप कहाँ से? मुंबई से। मुंबई से, अच्छा, बहुत खुशी हुई। कब से आए आप यहाँ? 4 दिन हो गए। अच्छा, 4 दिन हो गए। तो आप दोनों ही निकले हैं घूमने के लिए? बच्चे लोग भी घूमने निकले गए, बच्चे बड़े हो गए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, शुक्रिया। बेटा तुम कहाँ से आ रही हो? स्कूल से? हाँ, जंगल से क्या करने गई थी बिटिया? भेड़ी चराने? फिर तुम अकेली आ गई?
अच्छा तो भेड़े किसके पास रख ली? अच्छा दादी पढ़ती हो तुम? किस क्लास में पढ़ती हो? पढ़ना है खूब? अच्छा ओके। आगे से देवता से संबंधित, देवता से जुड़े हुए लोग कुछ नजर आ रहे हैं जिनके पास कुछ सामान है देवता का। ऊपर देवता गया है क्या? कौन सा देव? ये बिजली माँ देवी। अच्छा अच्छा ठीक ठीक। सर्प के फन की तरह की आकृति की एक शिला है पीछे, देखिए ये सर्प के आकार का, सर्प के फन के आकार की एक शिला यहाँ है। अभी सूखा सूखा है क्योंकि अभी तक ठंड ही थोड़ी बंद नहीं हुई है, लेकिन गर्मी आते ही खूब हरियाली, ऊंची ऊंची घास यहाँ देखने को मिलेगी। कराए दर्शन? अच्छा अभी वनस्पति ने अंगड़ाई लेना शुरू ही किया है। तो ये रास्ते में बैठे हैं कुछ पर्यटक, पर्यटक नहीं मैं श्रद्धालु कहना ज्यादा अच्छा समझूंगा, क्योंकि जो बिजली महादेव की ओर जा रहे हैं तो वो श्रद्धालु ही हैं इसमें। बेटा कहाँ जा रही हो? इससे पहले भी गई? नहीं। ऐसी पहाड़ी पहले भी चढ़ी? चढ़ी। कहाँ से हैं आप? आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। अच्छा दिल्ली से है? अरे दिल्ली में तुमने पहाड़ी कहाँ चढ़ी भाई? नहीं वैसे जगह चढ़ी ना, वैष्णो देवी। अच्छा और भी कई जगह चढ़ी गए ना। अरे बड़ी अच्छी बात है, इस छोटी उम्र में ही अगर बच्चा घूमेगा तो स्वाभाविक है कि ऐसी ऐसी चढ़ाइयों से डर नहीं लगेगा, है ना? अच्छा लग रहा है, है? ये हमारा 3 दिन का टूर है, कल वापसी है। अच्छा बैठ जाओ बेटा। ये छोटे साहब कहाँ जा रहे हैं बिस्किट खाते हुए? इनका नाम भी रुद्र है। क्या नाम है आपका? रुद्र। रुद्र, अरे वाह नाम ही रुद्र। मेरा एक्सपीरियंस है कि किलोमीटर से या माइल से हम ना मापे, हम चलने की रफ्तार से मापे कि कितना दूर रह गया है। अब जैसे गाड़ी भी है जी हाँ, कहते हैं दिल्ली से 12 घंटे लगते हैं, डिपेंड आपको चलाने पे डिपेंड करता है, 10 में पहुंच जाओ। हाँ 20 घंटे पहुंचो। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे गाड़ी चलाओगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी तो बच्ची के भी चेहरे पर मुस्कुराहट है, तो आप बड़ी अच्छी तरह से पहुंच पाओगे हैं बिना थके हुए। नीचे को ढंकार है काफी। चिड़ियाणी बोतल खाली बोतल खाली। ओहो अच्छा अच्छा अच्छा, ये आपकी बोतल, लो जी लो बोतल आपकी। हाँ चिड़ी के साथ मुश्किल थी ना जी। ये श्रद्धालु भी लगता है बिजली महादेव के दर्शन करके आ गए। गुजरात से। गुजरात से, बहुत अच्छा। दर्शन हो गए? यस हो गए। शुक्रिया शुक्रिया। यहाँ ये चट्टान मुझे हमेशा आकर्षित करती है, ऐसा लगता है जैसे भगवान श्री कृष्ण का पंचजन्य हो। अच्छा जी, हर हर महादेव जी, हर हर महादेव। बहुत तेज भाग रहे हो भाई, बेशक अभी यहाँ थोड़ा सूखा है, गर्मी थोड़ा बढ़ने दीजिए, बरसने दीजिए बरसात, फिर देखिए आदम कद वनस्पतियां यहाँ नजर आने लगेंगी। और मंजिल दूर नहीं, बहुत नजदीक रह गया बिजली महादेव, बिल्कुल सामने ही। खरगोश पीछे रह गए, कछुआ आगे निकल रहा है। आपका शुभ नाम बेटा जी? कहाँ जा रहे हैं? बिजली महादेव थके तो नहीं? थोड़े थोड़े, आप तो लौट भी चले। तो ये अंतिम गलू यहाँ से सामने ठीक दिख रहा है बिजली महादेव का मंदिर।